को मेरा नमस्कार। आजकल देखने में आ रहा है कि पेट की नाभि जब गिर जाती है या अपनी जगह पर नहीं होती तो डॉक्टर लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं और ये बताते हैं कि आपको पेट में इन्फेक्शन हो गया, पेट में स्वेलिंग आ गई, नलों पर सूजन आ गई और लोग डॉक्टरों के उसमें परेशान होते रहते हैं और जॉलीग्रांट जाते हैं, बराड़ा जाते हैं, पीजीआई तक जाते हैं और इंडिया तक जाते हैं और पेट की नाभि को डॉक्टर लोग देखने में आता है कि मानते ही नहीं और वो अंत में बताते हैं कि आपको इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है और आपको पेन की याद की प्रॉब्लम है। तो उसमें क्या होता है कि पेट में अक्सर दर्द रहता है, बार बार भोजन करने के बाद वाशरूम जाना पड़ता है, बेटा हो, बेटी हो, जेंट्स हो, लेडीज हो और बहुत लोग इस परेशानी से दुखी है और कई कई साल, यहाँ तक कि 50 साल एक सज्जन को हो गए जो हमारे पास आए और एक हफ्ते में वो पेट की जो नाभि होती है अपनी जगह पे परमानेंट हमेशा के लिए ठीक हो जाती है और इसके लिए हम पैर की उंगली में तांबे का छल्ला बनाकर पहनाते हैं और परमात्मा की कृपा से ये हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। और इसके अलावा जो भी पिंडलियों में दर्द वगैरह होता है, कमजोरी होती है, सब कुछ ठीक हो जाता है, प्रॉपर भूख लगने लगती है और बार बार पेट में इस तरह की दिक्कत नहीं होती। और कृपया छल्ला पहन के रखें और जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आगे औरों को भी बताएं ताकि सभी को इसका भरपूर फ़ायदा मिल सके। और मेडिकल में नाभि को नहीं मानते, इसलिए आपके से अरदास है, विनती है कि सभी को बताएं और पैर की उंगली में छल्ला पहनकर 8 दिन में ये परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। धन्यवाद।